तो दोस्तों आज मैं आपको लगाना सिखाऊंगा बीज से बरबट्टी यानी लुबिया जिसे कहते हैं। ये देखिए बीज है, ये देखिए दोस्तों बीज, ये बीज को ले लेना है दोस्तों आपको, और एक कप लेना है, और ये बीज को आपको इसमें पानी में दे देना है। आपको 24 घंटे के लिए रख देना है इस बीज को। ये देखिए मैंने पानी ले लिया है दोस्तों, ये देखिए। तो इस बीज को आपको 24 घंटे के लिए पानी में रखना है दोस्तों। ये लुबिया है यानी बरबट्टी, बोड़ा जो भी कह लीजिए, ये देखिए इसे आप पानी में दे दीजिए। इसे आप ओवरनाइट यानी 24 घंटे के लिए पानी में रहने दें। तो चलिए दोस्तों मैं 24 घंटे के बाद आपसे मिलता हूँ। और ये देखिए बरबट्टी जिसे बोड़ा कहते हैं, लुबिया, इसे भी मैं उगाना सिखाऊंगा आपको गमले में। ये देखिए इसे मैंने 24 घंटे के लिए पानी में रखा था, ये अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए देखिए अब इसे मैं इसकी मिट्टी बनाना सिखाऊंगा आपको, किस तरह से आप इसको सीडलिंग में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको गार्डन सॉइल लेना है। ये देखिए इसमें सब कुछ मिक्स है, आपका नीम खली, मस्टर्ड केक, ये सब सब चीज मिक्स है। ये मेरा गार्डन सॉइल जो मैंने आपको बनाना सिखाया, मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो अब इसमें आपको चाहिए 1 साल पुराना गोबर यानी सड़ी हुई गोबर की खाद, या फिर आप किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ खाद भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें लूँगा सड़ा हुआ गोबर की खाद। ये देखिए ये कंपोस्ट है, देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये 1 साल पुराना है मेरा सड़ा हुआ गोबर की खाद है दोस्तों। तो इसे आपको ले लेना है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये 1 साल पुराना मेरा कंपोस्ट है गोबर की खाद। तो इसे आपको अच्छे से मिला लेना है सॉइल के साथ, ये देखिए। इसे अच्छे से मिला लेना है दोस्तों, जितना अच्छा मिलाइएगा उतना अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। तो अब आपको लेना है सीडलिंग ट्रे। तो आपके पास अगर सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप इस तरह का ट्रे ले सकते हैं, ये मैंने बिस्कुट से निकाला था दोस्तों, आप भी निकाल सकते हैं। इस तरह का ट्रे में आप मिट्टी भर लीजिए, मिट्टी भरने के बाद इसे प्लेन कर लीजिए, और इसे अब बीज लगाने के लिए ये रेडी हो चुका है। तो इसमें आपको थोड़ा और मिट्टी ले लेना है, ये देखिए दोस्तों। तो इसे मैं लुबिया लगाऊंगा यानी बरबट्टी, बोड़ा जो भी कह लीजिए। ये देखिए उसका सीड जो मैंने ओवरनाइट 24 घंटे के लिए रखा था ये तैयार हो चुका है दोस्तों, इसे अच्छे से लगा लेना है आपको। ये देखिए थोड़ा दूरी दूरी पर दीजिए ताकि पौधा जल्दी ग्रो हो जाए। इसके बाद तो इसको अलग से आपको पॉट में लगाना ही है। तो इसे ग्रो करने के लिए छोटे छोटे पौधे तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसको ग्रो करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना होगा, मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं सब चीज़ आपको होममेड सिखा दूं इसी तरह से, ताकि आप अपने घर पे खुद तैयार कर सकें दोस्तों। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इसे मैंने 24 घंटे से ज़्यादा रखा था दोस्तों, इसीलिए बीज मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आपको ले लेना है, ये देखिए इस तरह से सजा लेना है आपको सीडलिंग ट्रे में। और इसमें थोड़ा आपको गार्डन सॉइल ले लेना है दोस्तों। तो गार्डन सॉइल मैंने मिक्स करके रखा था जो दिखाया आपको, तो इसमें हल्का आपको हल्का सिर्फ बीज को ढकने के लिए लेना है दोस्तों, ये देखिए इसे सिर्फ ढक लेना है दोस्तों। इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद है 1 साल पुराना, ये देखिए मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। ये देखिए बीज को ढक लेना है दोस्तों आपको आराम से। तो ये मेरा लोबिया तैयार हो गया ग्रो होने के लिए। अब इसे आप
कहीं भी शेडिंग एरिया में रख दीजिए जब तक पौधे नहीं बनते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसको, पौधा आएगा तभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये लोबिया का बीज मैंने जो लगाया था बरबट्टी, इसका जर्मिनेशन अब शुरू हो चुका। बीज से अब पौधा बनने लगा है दोस्तों। ये लोबिया यानी बरबट्टी जिसे मैंने लगाना सिखाया था आपको, तो इसका पौधा बनने लगा है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये देखिए लोबिया यानी बरबट्टी जो मैंने बीज से लगाना सिखाया था, ये भी देखिए, ये मेरा 7 दिन का अपडेट है। अभी इस पौधे को मैं जब लगाऊंगा तो उसका अपडेट दूंगा आपको। तो दोस्तों अभी अब मैं आपको लोबिया लगाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गार्डन सॉइल चाहिए। ये देखिए, ये गार्डन सॉइल मैंने बनाना सिखाया हूँ आपको, आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं। ये गार्डन सॉइल नहीं, सोना है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रांग मिट्टी है। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। ये देखिए, इसमें मैंने कोकोपीट ले लिया है, नारियल का छिलका। आप पत्ते भी ले सकते हैं, तो मुझे पत्ता नहीं चाहिए था तो मैं नारियल का छिलका अप्लाई कर लिया हूँ। अब मैं इसमें गार्डन सॉइल ले लूँगा दोस्तों। तो चलिए, आपको गार्डन सॉइल ले लेना है दोस्तों। देखिए मैं जिस तरीके से गार्डन सॉइल ले रहा हूँ, आपको भी ले लेना है। तो मैं लोबिया लगाना सिखाऊंगा आपको इसी कंटेनर में। ये बाल्टी है टूटा हुआ दोस्तों, प्लास्टिक का। मैं हर चीज़ आपको बोला ना, ख़रीदना नहीं पड़ेगा आपको, सब चीज़ आप घर पे बना सकते हैं। तो इसमें आपको मैं लोबिया लगाना सिखाऊंगा, लोबिया यानी बरबट्टी। तो चलिए, इसको मिट्टी को पहले आप अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, मैंने मिट्टी भर लिया है। तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब मैं इसमें लोबिया लगाना सिखाऊंगा आपको, लोबिया यानी बरबट्टी जिसे मैं बीज से लगाना सिखाया था दोस्तों आपको। तो चलिए, ये देखिए मेरा लोबिया का पौधा, ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है दोस्तों। ये लोबिया का पौधा है यानी बरबट्टी, इसे सीडलिंग में वही केक कटरे में उगाया हूँ। तो इसे मैं लगाना सिखाऊंगा मैं दोस्तों, इसे ज़्यादा मैं इसमें नहीं लिया हूँ। तो चलिए, इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको हल्के हाथों से आपको निकाल लेना है। देखिए मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो अब इसको अच्छे से निकाल लेना है दोस्तों। ये देखिए, मैं 3-4 पौधा है, चारों को अलग अलग कर लेना है दोस्तों आपको। इसमें से मैं एक ही रखूँगा, आपको भी एक ही रखना है। आप अगर बड़ा पौधा बड़े कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं अच्छे से ग्रो कर लूँगा। ये देखिए, इसे आपको लगा लेना है इसी तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, और मैं बड़ा वाला को बीच में ले लूँगा। ये देखिए, इसको बीच में लगा लीजिए आप, इसका ग्रो बहुत अच्छा है। और इसको साइड में ले लीजिए। ये देखिए, इसी तरीके से आपको लोबिया यानी बरबट्टी के पौधे को लगा लेना है दोस्तों अच्छे से। और फिर देखिएगा, इसको मैं इसी छोटे कंटेनर में आपको फल लेना सिखाऊंगा दोस्तों। तो ये फल देने के लिए अब रेडी हो चुका है, अब इसका ग्रो खाली बाकी है। अब जैसा जैसा ये ग्रो होगा उसी तरीके से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा गार्डन सॉइल ले लीजिए दोस्तों। ये देखिए गार्डन सॉइल, इसको थोड़ा ले लीजिए आप अच्छे से, इसको पूरा कवर कर लीजिए दोस्तों, ताकि पौधा हवा पानी में हिले ना, रूट को चोट न पहुँचे। तो आज मैंने आपको सिखाया दोस्तों लोबिया। लोबिया यानी बरबट्टी, तो इसे मैंने कवर कर लिया। देखिए दोस्तों, तो आपको भी इसी तरह कवर कर लेना है मिट्टी को। इसीलिए मैंने ज़्यादा मिट्टी लिया कि पानी वाटरिंग करने के बाद ये मिट्टी बैठ जाएगा आपका। तो ये आपने सीख लिया दोस्तों लोबिया यानी बरबट्टी किस तरह लगाया जाता है। तो इसी छोटे कंटेनर में मैं आपको इसी से फल लेना सिखाऊंगा दोस्तों आपको। और ये रहा लोबिया का पौधा, इसका भी ग्रोथ देख लीजिए किस तरह का ग्रोथ हुआ है, बीज से लेके
पॉट में लगाने तक का ग्रोथ देख लीजिए। ये देखिए लोबिया का पौधा, ये भी मेरा ग्रोथ शुरू कर दिया है। इसे मैंने बांस का सपोर्ट दिया है, फिर भी अभी ये बांस का सपोर्ट में नहीं है। ये लोबिया यानी बरबट्टी, ये भी ग्रोथ में है, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे लोबिया के पौधे में फूल फल सब आने लगे हैं। ये देखिए ये फूल है और ये फल है, ये लोबिया है, लोबिया यानी बरबट्टी। इसमें अब फूल फल तैयार होने लगे हैं, देख लीजिए। ये देखिए ये देखिए मेरा लोबिया का पौधा लोबिया से भर चुका है यानी बरबट्टी। ये देखिए लोबिया मेरा आ रहा है। ये देखिए फूल मेरे पूरे पौधे में फूल से भर चुका है। ये देखिए लोबिया, ये देखिए लोबिया, ये देखिए लोबिया पूरे पौधे में फूल और लोबिया से भर चुका है दोस्तों। ये देखिए मेरा लोबिया का पौधा। ये देखिए दोस्तों मेरा लोबिया हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है, तो चलिए दोस्तों इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हिला बिना, तो चलिए दोस्तों आज मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा लोबिया, ये देखिए लोबिया रेडी हो चुका है दोस्तों मेरा। ये देखिए मेरा लोबिया हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है। ये मेरे जितने प्लांट हैं, इससे पहले मेरे मम्मी ने इससे लोबिया पहले ही तोड़ चुका था, ये मुझे आज मिला है। तो ये बीज से लेके आपका पौधे तक का सफ़र, फल तक का सफ़र रेडी है।